हम रेड कलर पहनाएंगे। इसके ये भी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है क्योंकि मुझे ओवरसाइज तो क्यों ये थोड़ा सा महंगा लगा था, जिम के लिए बॉडी सूट है ये, पता नहीं क्या कौन सा फैब्रिक है। आई लव शॉपिंग फ्रॉम H&M और बैने। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to be doing a haul which is going to be from H&M and Urbanic. H&M से मैंने काफी ज़्यादा shopping कर ली and I'm super excited to share with you guys what I got. बहुत ही quick random haul होने वाला है, मैं ज़्यादा time नहीं waste करूँगी कि ये quality की इसके fabric के बारे में बताना, वो कुछ भी नहीं, मैं आपको सीधा सीधा just दिखा रही हूँ मैंने क्या क्या लिया. So first thing is the one that I'm wearing right now. This is a hoodie. It's very comfortable. You can see ये थोड़ा सा teddy material है. मुझे ऐसे के मतलब सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, बहुत ही वार्म होते हैं चीज़ें. ये फैब्रिक बहुत ही वार्म है और इसकी हुडी है बहुत ही कूल साइज में, हमने ग्रे कलर भी लिया है. आई विल जस्ट शो यू, ये मिंट ग्रीन कलर है, सेम फैब्रिक में मिंट ग्रीन कलर लिया है एंड देन इसमें एक ग्रे कलर भी है. यू कैन सी दिस इज़ द ग्रे कलर, वेरी प्रिटी. आपको यहाँ साइड पर वियर करके दिखा रही हूँ मैं ये कैसा लग रहा है ओवरऑल फुल लुक. इसको आप जिम में भी पहन सकते हो, बाद में घर पे भी पहन सकते हो, सो भी सकते हो इसको पहन के, वेरी वेरी क्यूट. सो या इसमें मैंने तीन लिए हैं ये. एंड नेक्स्ट आई हैव, एक्चुअली मैं आपको पहले ये क्यूट सी चीज़ें दिखाती हूँ जो हमने हमारे घर में, अगर आपने मेरा लाइव सेशन देखा है तो आपको पता होगा कि हमारे घर में तीन तीन बेबीज़ हो गए हैं अब और मैं मासी भी बन गई हूँ बुआ के साथ साथ, तो हमने लिए हैं बेबीज़ के कपड़े. सी अब मैं अपने कपड़ों से ज़्यादा मतलब हम किड्स सेक्शन में जाते हैं और यू नो पूरा सर्च करते हैं, इतना मज़ा आता है ना वहाँ पर, इतनी क्यूट क्यूट आइटम्स पड़ी होती हैं. अच्छा हमको सिखा दिया है. तो ये है गुगु के लिए ड्रेस. गुगु अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है, वो 3 मंथ्स की हो गई है, तो हमने सोचा उसका क्रिसमस का शूट करेंगे ये पहना के और उसको क्यूट सा बनाकर, सांता क्लॉज सा बनाकर ये पहनाएंगे. सी हाउ क्यूट इज दिस. बेबीज़ के आइटम हमें हमेशा खरीदने के बाद एक बार वॉश करनी चाहिए, तो हम इसको पहले वॉश करेंगे और फिर उन्हें पहनाएंगे. सी ये पूरी स्क्रीन में भी आ गई, हाउ क्यूट इज दिस आ रही है. और इसके साथ हमने लिए गुगु के लिए सॉक्स भी लिए हैं. सी रेड कलर, इसके साथ हम रेड कलर पहनाएंगे और ये वाली बाकी के भी उसकी डल जाएंगी सॉक्स. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. उसके बाद हमने जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, हमारे पास एक गर्ल है और एक बॉय है. हमने गर्ल के लिए लिया है ये रेड कॉलर के साथ. सी कितना प्यारा है ये, कितना सादा क्यूट है. ये 2 पीस सेट था और बिल्कुल ही न्यू बॉर्न लाइक 0 to 1 month के लिए है ये. एंड ये है बॉय के लिए, इसके ऊपर छोटे छोटे से हाथ बने हुए हैं और H&M की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है ना कि बेबीज के लिए बेस्ट है वो. तो यस दीज आर द 2 other items फॉर द न्यू बॉर्न्स. एंड ये है एक कार्डिगन, इसके ये भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है. मैंने सोचा था कि मैं ब्लैक और वाइट अब लेने नहीं वाली हूँ कहीं भी. मैंने ये क्यों डाला हुआ है. मैंने सोचा था कि मैं ब्लैक और वाइट नहीं खरीदूंगी, बट हेयर वी गो अगेन, आई हैव समथिंग एल्स इन ब्लैक. ये है ब्लैक कार्डिगन, आपको पहन के दिखा दूंगी अभी, आपको ऐसे पता नहीं चलेगा. बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही बड़ा है ये, लॉन्ग फॉर्म लॉन्ग में है. ये आप अपनी ड्रेसेस के ऊपर भी पहन सकते हो, बहुत सुंदर लगता है. और ये इसके साथ एक बेल्ट भी आती है, वेरी वेरी क्यूट. नेक्स्ट अप आई हैव इज दिस, आर दीज जॉगर्स. H&M के जॉगर्स मैंने मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं. इसमें वाइट कलर भी अवेलेबल था और ये ना मतलब आपकी लेग्स मतलब काफ़ी ज़्यादा आप इसमें टॉल भी लगते हो क्योंकि ये नीचे से वाइड होता है और इसका स्ट्रेचबल मटीरियल है, काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है. और हाँ ये बहुत ही कूल लगता है, आप जैसे जेंजी उसमें चले जाते हो, जेंजी वर्ल्ड में कि आप भी जेंजी हो. तो या जॉगर्स के साथ क्रॉप टॉप इज़ ऑलवेज अ गुड चॉइस टू वेयर फॉर द कैजुअल डे आउट. सो यस दीज आर द जॉगर्स दैट आई गॉट फ्रॉम H&M, अगेन ब्लैक इन कलर. एक और ब्लैक चीज़ है, आई प्रॉमिस यू गाइस कि ये लास्ट ब्लैक आइटम होगी H&M से. दीज आर द शर्ट, आई गॉट अ लॉट ऑफ नाइस फॉर्मल शर्ट्स फ्रॉम H&M. मुझे लगता है कि मेरे ऊपर शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि मैं और भी कुछ पहन लेती हूँ, आई डोंट टेक माई सेल्फ सीरियसली, बट व्हेन आई वियर दीज शर्ट्स और ब्लेजर्स आई थिंक आई लुक अ लिटिल मेच्योर एंड नाइस, और थोड़ा सा मैं अपने आप को सीरियसली भी ले लेती हूँ. तो ये मुझे स्टाइल करना बहुत पसंद है और आपके वार्डरोब में एक ब्लैक और एक वाइट शर्ट स्टेपल होनी ही चाहिए. यू कैन स्टाइल देम इन सो मैनी डिफरेंट वेज, तो इसीलिए मैंने एक ब्लैक
और वाइट शर्ट भी ली है। एक्चुअली मेरी दूसरी वाइट शर्ट है H&M से, मैंने सारी ओवर साइज ली हैं, मुझे ओवर साइज शर्ट्स ज़्यादा पसंद है। एक सेकेंड, ये पहन के ही बनाऊँगी क्योंकि मुझे ओवर साइज शर्ट ज़्यादा पसंद आती है। सो यस, इसको आप बहुत सारे डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हो। आप जीन्स के साथ डाल सकते हो, फॉर्मल पैंट्स के साथ टक इन करके डाल सकते हो, अगर आप इसको कैजुअल वे में डालना है आप इसको शॉर्ट्स के साथ एक साइड टक इन करके एक साइड बाहर निकाल के डाल सकते हो, आप इसको ब्लेजर के अंदर डाल सकते हो, आप इसको स्कर्ट के साथ स्टाइल कर सकते हो, आप इसको एज अ जैकेट ओवर आउटर वेयर पहन सकते हो, सारे बटन्स खोल के नीचे क्रॉप टॉप पहन कर। तो इसको आप बहुत सारे डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हो, इसीलिए ब्लैक एंड वाइट शर्ट होना इज़ अ स्टेपल। सो यस, सो एक्सेसरीज भी ली थी मैंने H&M से कुछ। एक ही क्लचर है गोल्डन कलर का, मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था तो आई पिक्ड इट अप फॉर माई सेल्फ। और इसमें रबर बैंड्स भी लिए थे मैंने, वो भी दिखाती हूँ। देन आई गॉट दिस मफलर, दिस इज, इसके नीचे ऐसे फ्रिल्स लगे हुए हैं, इट इज़ सुपर क्यूट एंड वेरी वेरी सॉफ्ट एंड सो प्रिटी। सी रेड लिपस्टिक के साथ ये मफलर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप इसको क्रिसमस पे स्टाइल कर सकते हो डिफरेंट वेज में एंड इट इज़ सुपर सुपर सॉफ्ट। पता नहीं मुझे क्यों ये थोड़ा सा महंगा लगा था, कितने का था, दिस इज़ फॉर 1300 एंड नहीं फिर इतना बुरा नहीं है ये तो। येस यू कैन ऑल्सो, इसमें ब्लैक कलर भी अवेलेबल था बट ना उसमें बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि वो गंदा हो जाएगा, कि अगर वो गंदा हो जाएगा तो उस पर बहुत ज़्यादा दिखेगी चीज़ें, यू नो। बट इस पर इसके कलर की वजह से आप इसको वो चीज़ अवॉइड कर सकते हो, तो मैंने ये कलर चूज़ किया अपने लिए। द रबर बैंड्स दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट वर दीज, ये वाले रबर बैंड्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने लास्ट टाइम जो ये लिए थे मेरे सारे गुम चुके हैं, बिकॉज आई एम वेरी बैड विद कीपिंग माई रबर बैंड्स इंटैक्ट, सो मैंने न्यू ले लिए। ये थे कुछ, कितने का है ये 250 का है। मुझे पता है H&M की एक्सेसरीज बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, पता नहीं क्यों। क्वालिटी अच्छी है नो डाउट, बट चार पांच रबर बैंड्स फॉर 250 मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है प्राइस, बट फिर मैंने कहा चलो पड़ा है तो मैंने ले लिया ऑनलाइन, कितनी वेट करनी पड़ती। तो ये सारे ब्लैक में ही हैं, पिछली बार मैंने न्यूट्रल टोन्स लिए थे, इसमें आपके बाल टूटते नहीं है ज़्यादा, और क्योंकि अभी वेदर चेंज हो रहा है तो ऐसे के रबर बैंड्स बहुत अच्छे रहते हैं और इसमें आपके बाल अड़ते भी नहीं हैं। सो यस, दिस इज़ another thing. Then I got this very cute sweater. ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एक ही लुक में, तो मैंने ये ले लिया। इसको भी मैं बहुत अच्छे सारे वेज में स्टाइल कर सकती हूँ। वाइट शर्ट के ऊपर आप इसको डाल सकते हो, थोड़ा सा स्कूल गर्ल लुक आएगी इससे। हाँ ना वंशिका, तुझे भी अच्छा लग रहा, मुझे ये लग रहा है ना। वंशिका को भी ये बहुत अच्छा लगा, वंशिका H&M पे जाके ले आ रही है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा ये। तो ये मैंने इसलिए, इसको आप ब्लैक शर्ट के ऊपर भी डाल सकते हो, ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगेगा, साथ में क्यूट सा स्कूल गर्ल हेयर स्टाइल बनाकर कितना प्यारा लगेगा ये। मुझको बहुत सारे वेज में स्टाइल कर सकती हूँ। मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रही हूँ, जैसे मुझे कहीं जाना है ट्रेन पकड़ के, ऐसा लग रहा है वंशिका कि मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। अब मैं जल्दी जल्दी नहीं बोलूँगी गाइस, मैं बहुत ही धीरे बोलूँगी, मुझे पता नहीं क्यों हॉल में मैं ऐसे जल्दी जल्दी बोलती हूँ जब मैं हॉल बनाती हूँ, और मेकअप वीडियो में मैं ऐसे धीरे धीरे करके बोलती हूँ। नेक्स्ट अप आई गॉट दी सॉक्स, उप्स ये मैंने कल एक ओपन कर ली थी, ये मैंने एक्चुअली अपने जिम के लिए लिया है, वैसे रेगुलर वेयर के लिए भी आप ले सकते हो, बट ना आजकल वो ट्रेंड चल रहा है कि आप लेगिंग्स के ऊपर से अपनी सॉक्स ऐसे जब निकाल लेते हो, तो मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे। न्यूट्रल शेड्स हैं ये, 1000 के थे 5-7 पेयर्स, तो इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रल शेड्स हैं, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है तो मैंने ये ले लिया। एंड ये नेसेसिटी है विंटर्स के लिए, और जिम में वैसे भी आपको सॉक्स पहननी पड़ती हैं। सो ये थी सारी चीज़ें फ्रॉम H&M यू गाइस, H&M का हॉल इज़ कम्प्लीट हियर। नेक्स्ट अप आई हैव सम फ्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम H&M, बहुत ही अर्बैनिक, बहुत ही कम है, ज़्यादा नहीं है। द फर्स्ट थिंग इज़ वेरी गुड, लाइक अगर ये बॉडी सूट है, जिम के लिए बॉडी सूट है, ये इतनी अच्छी फिटिंग है ना इसकी, आपका कोई भी साइज़ हो, स्मॉल लार्ज मीडियम, ये आप पे बहुत अच्छा लगेगा, ये आपकी बॉडी को एकदम हग कर लेता है। इट्स लाइक अ शेप वेयर बट फॉर द जिम, लाइक आप इसको जिम में भी पहन सकते हो, एक्चुअली आप रेगुलर वेयर में भी पहन सकते हो, ये बहुत ही स्मार्ट लगता है पीस। आप इसके ऊपर इफ़ यू नॉट दैट कम्फर्टेबल यू कैन वेयर एन आउटर वेयर ओवर दिस एंड इट जस्ट लुक्स वेरी वेरी नाइस एंड यू लुक फिट इन दिस, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट आई गॉट दीज थ्री, वन सेकेंड, ये भी मुझे बहुत अच्छा, अनदर ब्लैक प्रोडक्ट, अनदर ब्लैक टॉप। मैंने कितने सारे ब्लैक चीज़ें ली हैं, अब इसके बाद मैं ब्लैक कुछ भी नहीं खरीदूंगी, आई स्वेयर, लाइक बहुत सारी चीज़ें मैंने खरीद चुकी हूँ ब्लैक में, मेरी मम्मा ने देख लिया ना तो शी विल स्कोल्ड मी। सो ये है ब्लैक
टॉप, ये आप इसको ऑफ कोर्स जिम में भी पहन सकते हो। मैंने मोस्टली अर्बेनिक से जिम के लिए शॉपिंग करी है, बट आप इसको रेगुलर डेज में भी पहन सकते हो बिकॉज ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और अर्बेनिक क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो चुकी है। लाइक पहले मैं जब अर्बेनिक से शॉपिंग करती थी आई फेल्ट लाइक उसके जो क्लोथ्स है ना उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। नाउ द क्वालिटी हैज रियली इंप्रूव एंड मैंने ये भी नोटिस किया कि अर्बेनिक ज़ारा और H&M की बहुत ज्यादा कॉपी करता है, तो अगर आपको उसका अफोर्डेबल प्राइस में लेना है तो आप अर्बेनिक से ले सकते हो, बट अगर आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए क्लोथ्स की और आपको थोड़ा सा हाई एंड साइड पे जाना है तो ऑफकोर्स ज़ारा एंड H&M, तो उसका तो कोई फिर है ही नहीं मैच। तो यस H&M सॉरी अर्बेनिक से मैंने लिया ये 3 कलर्स में टॉप। इसमें मेरे पास है ब्लैक, व्हाइट एंड ब्राउन, ये मैं मोस्टली जिम में पहनती हूँ। देन आई हैव दिस विंड ब्रेकर जैकेट, ये मेरी फर्स्ट आई थिंक विंड ब्रेकर जैकेट है, पता नहीं इसको विंड ब्रेकर जैकेट क्यों बोलते हैं, बट ये भी मैंने जिम के लिए लिया है, लाइक जो जिम सेट्स होते हैं ओवर उसके लिए आउटर वेयर के लिए। एंड ये पर्पल कलर मुझे बहुत पर्पल कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही वाइब्रेंट सा है, जस्ट लिफ्ट्स अप योर मूड। इसकी ना मतलब जो क्वालिटी है बहुत ही डिफरेंट है, ऐसे कपड़े लाइक इट्स लाइक अ पेपर, पता नहीं क्या कौन सा फैब्रिक है बट इट इज़ सुपर क्यूट, मैं इसको स्टाइल करना चाहूँगी। और इसमें एक सीक्रेट पॉकेट भी है अंदर, यू कैन सी यहाँ पे आप अपना कैश डाल सकते हो, जैसे अगर आप जिम में पहन रहे हो ये यहाँ पे कैश या जो भी आप लेकर जाते हो जिम में वो डाल सकते हो। सो यस इज़ अ रियली नाइस जैकेट, यहाँ पे आपको साइड पे मैं सारा पहन के दिखा दूँगी क्या क्या चीज़ कैसी लग रही है। नेक्स्ट अप आई हैव दिस जिम सेट, मैंने ना एक्चुअली सारे अनबॉक्स कर चुकी हूँ बट आई वॉन्टेड टू एड्रेस दिस अनदर थिंग कि अर्बेनिक की पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, इट्स लाइक अ रियली नाइस, उन्होंने काफ़ी रीब्रांड किया है अपने ब्रांड को। सो इसमें आए थे सारे सेट और ये सील्ड पैकेट था, तो आप इसको रीयूज भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छी है पैकेजिंग। सो दीज आर द 2 सेट्स दैट आई गॉट, एक तो ये पर्पल कलर में है, दीज आर द लेगिंग्स एंड दिस इज़ अ स्पोर्ट्स ब्रा विद दिस, इसको ऑफकोर्स आप ओवर कोट के साथ डाल सकते हो, आउटर वियर के साथ डाल सकते हो। दिस इज़ द फर्स्ट सेट, अर्बेनिक की लेगिंग्स आर सो गुड, मतलब मैं जिम में जितने भी जिम वेयर में जो भी पहनती हूँ मैंने सब कुछ अर्बेनिक से लिया है, बहुत कम है जो मैंने H&M से लिया है और कुछ मैंने फॉरएवर 21 से भी कुछ लिए हैं प्रोडक्ट्स। सो यस ये है दूसरा सेट, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी स्किन पे काफ़ी सूट करता है ऐसे, मतलब मुझे डार्क बोल्ड कलर्स विंटर्स में बहुत अच्छे लगते हैं। सो ये है दूसरा सेट, ये मैं आपको पहन के दिखा दूंगी। इसका ना ये है कि इसकी लेगिंग्स बहुत ही मुझे छोटी लग रही है फॉर सम रीज़न, क्योंकि यूजली तो लेगिंग्स बहुत लंबी होती है बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, यू कैन सी, सो आई थिंक ये मुझे पूरा आ जाएगा अच्छे से। सो यस दिस इज़ अनदर सेट एंड आई थिंक दैट इज़ इट, सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया है, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ नहीं रहता। आई थिंक एक सेट और है अर्बेनिक से मैंने लिया था, वो था ब्लैक कलर का, उसके साथ भी स्पोर्ट्स ब्रा थी और लेगिंग्स थी, उसको भी आप आउटर वेयर के साथ पहन सकते हो। मैं यूजली ऐसे सेट नहीं पहनती हूँ नॉर्मली जिम में। तो येस आई थिंक दैट इज़ इट फॉर द हॉल, बहुत ही क्विक वीडियो थी, मज़ा आया मुझे आपको आपके साथ सब कुछ शेयर करके, आई होप यू गाइज ऑल्सो लाइक इट। और मैं सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी प्रोडक्ट्स के, इवन फ्रॉम H&M ऑल्सो, सो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट योर हैंड्स ऑन दीज यू कैन चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, आई लव शॉपिंग फ्रॉम H&M, अर्बेनिक एंड ज़ारा ऑल्सो। ज़ारा से मैंने अपनी बर्थडे की शॉपिंग की थी, वहाँ से मैंने एक बॉडी सूट लिया था, शॉर्ट्स लिए थे, तो यस वो मैं पता नहीं क्यों बोल रही हूँ अभी, बट यस मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली इन लास्ट 2-3 मंथ्स में। सो इफ़ यू लाइक सच हॉल वीडियोस, मैं हॉल बहुत कम बनाती हूँ बिकॉज आई फील लाइक यू गाइज डोंट इन्जॉय देम दैट मच, बट लेट मी नो इफ़ यू वुड लाइक टू सी मोर ऑफ सच वीडियोस एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बिलो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। नाउ बाय।